हमें चाहिए मालिकाना हक। भारत देश को आजाद हुए 65 साल से ज्यादा हो गए हैं। आज हमारे पूर्वजों ने आजादी की लड़ाई में अपनी बलि दी। आज हमारे पूर्वजों की बदौलत मध्यम वर्गीय और गरीब लोगों की बदौलत देश आजाद हुआ, लेकिन आज तक आजादी के पहले से बसे हुए हमारे गरीब भाइयों को, झुमकी झोपड़ी वासियों को, पट्टेधारियों को, गैर पट्टाधारियों को आज तक उनको कोई मालिकाना हक नहीं मिला। और जिसके चलते शासन प्रशासन नगर निगम आए दिन कोई न कोई योजना लेकर के हमारे मकान तोड़ने हेतु पहुंच जाती है, कभी अतिक्रमण के नाम पर तो कभी किसी राजीव आवास योजना के नाम पर। हमारे घरों से आज भी सुरक्षित नहीं है। जबलपुर की जहां बात है, जबलपुर में 80% नजूल भूमि में लोग बसे हुए हैं, और 80% लोग जो बसे हैं आजादी के पहले से बसे हुए हैं। उनकी कई पुश्तियां चली गई, लेकिन नगर निगम प्रशासन 2-4 दिन की मोहलत दे करके, और वो भी कभी कभी ऐसा करता है कि नगर निगम प्रशासन मोहलत भी नहीं देता और जाकर के अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके लगातार मकान को तोड़ना शुरू कर देता है। ये प्रवृत्ति और ये शासन की ये मंशा ये टोटली जनता के हित के खिलाफ है। हम सब अधिवक्ता जन कल्याण परिषद में सामाजिक कार्यकर्ता और सभी अधिवक्ता बंधु इसका विरोध करते हैं, और हम लोगों ने यह प्रतिज्ञा ली है कि जब तक मालिकाना हक नहीं ले लेंगे तब तक हम लोगों की लड़ाई इस प्रकार से लगातार चलती रहेगी। प्रवीण पांडे, एडवोकेट, अधिवक्ता जन परिषद द्वारा संपूर्ण जबलपुर में बसे पट्टेधारी जो नजूल में रह रहे हैं उनके मालिकाना हक के लिए यह आंदोलन का शंखनाद है। यह आंदोलन जन जन तक पहुंचेगा और शासन प्रशासन की एक सीट बजाकर और गरीब मजदूरों के हित में मालिकाना हक लेकर रहेगा। रवि सतनामी।